जिंदगी आसान नहीं होती। खुद की जान को हथेली पर रखकर वो देश की रक्षा करते हैं, और अगर देश की रक्षा करते करते उनकी जान चली जाती है तो उनके पीछे उनका परिवार छूट जाता है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। अक्सर लोग कहते हैं कि कमांडोज की जिंदगी आसान नहीं होती, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनके पीछे पूरे परिवार को कोई देखने वाला नहीं होता है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि डिफेंस में, अगर आर्मी में जो दोस्त बनते हैं, जो साथी बनते हैं, वो आखिरी दम तक अपने साथी का साथ निभाते हुए नजर आते हैं। कुछ देखने को मिला है जहां एक जवान की मौत के बाद उनके फ्रेंड जो हैं, यानी कि उनके जो मित्र हैं, उनकी बहन की शादी में पहुंचे और भाई के सारे रस्म को उन्होंने निभाया। दरअसल 205 कोबरा बटालियन सीआरपीएफ के वीर उपनिरीक्षण रोशन कुमार ने 13 फरवरी 2019 को महज 25 वर्ष की आयु में छकराबंद गया बिहार के घनघोर जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ लोहा लेते हुए कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर पूरे राष्ट्रकृत कृत्य की किया था। दिनांक 11 जुलाई 2024 को उनकी एकमात्र बहन मनीषा के विवाह में अपने गृहनगर ग्राम गरसंदा जिला लखीसराय में संपन्न हुआ, जिसमें श्री नरेश पवार कमांडो 205 बटालियन के दिशा निर्देश में 205 कोबरा के अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारियों के जवान अपने सक्रियता सहभागिता दिखाते हुए बहन मनीषा को अपने भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। एक बहन को उपहार स्वरूप क्लासिकल बुलेट और सहयोग राशि भेंट की। 205 कोबरा के एक प्रतिनिधि मंडल 11 जुलाई 2024 को शहीद रोशन के गृहनगर ग्राम गरसंदा जिला लखीसराय में बहन मनीषा की शादी में उन सभी रस्मों को निभाया जिन्हें आज अगर शहीद रोशन कुमार जिंदा होते तो निभाते। ये देखकर समारोह में उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। कमांडोज ने बहन मनीषा के कई सारे तोहफे दिए हैं। फूलों की चादर की छांव तले मंडप पर लेकर गए। शहीद रोशन कुमार के पिताजी ने बताया कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, परंतु कोबरा कमांडोस के रूप में आज मुझे कई बेटे मिल गए हैं जो हर दुख और सुख के मेरे साथ हैं और कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहते हैं। बहन की डोली में चढ़ते देखना और उसके लिए मंडप सजाना एक भाई का ख्वाब था। एक बहन की आखिरी बार जब अपने कमरे में चौखट लांग कर किसी और की होने के लिए फेरे लेने जा रही होती है तो उसे अपने भाई का साथ मिलता है। भाई जब मंडप में पकड़कर उसके साथ चलता है तो दुल्हन खुद को काफ़ी ज़्यादा खुशनसीब महसूस करती है। तो आपने देखा कि इस तरीके से कोबरा कमांडोज ने अपने शहीद साथी की जो है परिवार की मदद की है। एक तरफ जहां दोस्त तो चला गया, लेकिन दोस्त के परिवार अभी भी पीछे हैं, और उन दोस्त के परिवार को उनके बेटे को उनके बेटे की कमी महसूस ना हो, इसके लिए एक दो नहीं बल्कि कोबरा कमांडो के कई जो अधिकारी हैं वो आए और इस शादी में शिरकत किए। चलिए हम आपको पूरी तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं।